छोटे छोटे में रह रहे हैं, तो मुझे कहा कि मामा बताओ कैसे रहे, सास ससुर बेटा बहू कमरा एक ही। तो अब हमने फैसला किया है, कलेक्टर कमिश्नर सुन ले, हमने फैसला किया है कि एक मकान में गरीब परिवार अगर है, कई सदस्य रह रहे हैं, तो परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे को यूनिट मान के ऐसे लोगों को अलग से पट्टा देके प्लाट देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो बनना चाहिए कि नहीं? कहां रहेंगे नहीं तो? तो पहले चरण में जहां सरकारी जमीन होगी, सरकारी जमीन पे पट्टे देंगे, और अगर कहीं सरकारी नहीं मिली यशोधरा जी तो जमीन खरीद के भी पट्टे तो देंगे। जमीन तो चाहिए भाई, जमीन तो चाहिए भाई रहने की। और इसलिए ग्रामीण विकास विभाग इस मामले को राजस्व विभाग के साथ मिलकर देखेगा। देखो गरीबों के लिए तो सरकार है, किसानों के लिए सरकार है। आज मैं विस्तार से किसानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसानों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, मेरे विधायक साथियों ने सौंपे, कुछ जगह फसलों का नुकसान हुआ, बाढ़ पीड़ितों को हमने अभी भी आप जानते हैं 300 करोड़ से 350 करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुके हैं, लेकिन फसलों का अगर कहीं और नुकसान हुआ होगा तो चिंता मत करना, सर्वे करवा के वो नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, संकट के पार भी निकाल के ले जाएंगे। ये आपकी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और ये महिला सशक्तिकरण, लाडली लक्ष्मी हो, स्कूल जाए तो साइकिल हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, बेटियों की शादी हो, और एक बात और भाइयों तुम भी सुन लो, अगर जमीन खरीदोगे, जायदाद खरीदोगे और रजिस्ट्री अगर मेरी बहन के नाम पे करवाओगे तो रजिस्ट्री के शुल्क में छूट मिलेगी, पैसा बच जाएगा, लेकिन प्लाट मकान मेरी बहन के नाम हो जाएगा। बताओ बहनों के नाम होना चाहिए कि नहीं? और जब से अपन ने यह फैसला मंत्रिमंडल में किया है, भाई लोग भी बहुत चतुर है, पैसा बचाने के लिए बहनों के पत्नी के नाम पे करा रहे हैं आजकल रजिस्ट्रिया, हमें तो अच्छा है, जमीन की मालिक बन रही है। आओ मेरी बहनों, ये महिला सशक्तिकरण का नया दौर है, आपकी जिंदगी बदलनी, आपकी आमदनी बढ़ानी, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस अवसर पर जो महिला बहनें जुटी हैं, उनका मेरी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ऐसे ही मिलकर काम करती रहो। 13 सूत्र सबको याद है? 13 सूत्र याद है? जिनको याद है हाथ उठाओ। 13 सूत्र ये आजीविका मिशन के 13 सूत्र याद रखना, वो ही सफलता की कुंजी है। मिलकर काम करना, जो पैसा लोगी उसको वापिस करके फिर और ज्यादा पैसे लेना, और ब्याज का बड़ा हिस्सा तो मामा भरवा देगा, उसकी चिंता मत करना, ईमानदारी से समूह चलाते रहना। और एक बात और, अंत में टीका सबने लगवाया कि नहीं? कोरोना का टीका जिनने लगवाया हाथ उठाओ। ये जो कोरोना का मुकाबला कर पाए, कितनी परेशानी में पड़ गए थे आप सब लोग जानते हैं, शिवपुरी में भी कितने परेशान थे, यशोधरा जी भी दिन रात काम करती थी, प्रभारी मंत्री जी भी करते थे। ये टीका अपन ने लगवाया इसलिए बच रहे हैं कोरोना से, तो जिनने नहीं लगवाया उनको भी लगवा देना, ताकि और दोनों डोज लगवाना है ताकि सब सुरक्षित बचे। एक बार फिर मैं अपनी बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि बहनों तुम आगे बढ़ती जाओ, तुम्हारे लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 2500 करोड़ रुपया समूहों को इस साल दिया जाएगा खाते में बैंक लिंकेज के माध्यम से। आगे बढ़ो और आओ इस संकल्प के साथ कि बहनें मिलकर साथ चलेंगी, अच्छा समूह चलाएंगी, आमदनी बढ़ाएंगी और आगे बढ़ेंगी। ये 13 सूत्र का पालन करेंगी, ये संकल्प लेंगे और ये संकल्प सब अपनी अपनी जगह बहनें खड़ी हो जाएंगी, खड़े होकर संकल्प लेंगे, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम अच्छा समूह चलाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, और मेरी सभी बहनों की, भारत माता की, अम्मा महाराज जी की।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जैसा मैंने बहनों को वचन दिया है, एक बार भैया पुरुष अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग घुसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम दो तीन लोग ऐसे मिलते हुए, कोई बहन कुछ कहना चाहती तो सुनते हुए फिर अदर आ जाएंगे। तो पुरुष भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम्हारे आवेदन भी लेते हुए जाऊंगा। ये मैं सोचता कि मामा तो महिलाओं महिलाओं की सुन रहा, पुरुषों की सुन ही नहीं रहा। तो इतने जो आवेदन होंगे इधर मत घुसना, इधर ही मैं लेकर चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो एक आइटम मैंने बीच में रुकवा दिया था, बहने जिसको करवा दू सर। कोलारस विधानसभा की माननीय विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी जी, आप